या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका दूसरा नाम टेस्ट ट्यूब बेबी भी है। ये वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और एग लेबोरेटरी में मिक्स किया जाता है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फिर एम्ब्रियोज बनते हैं। ये लेडी के यूट्रस में 2-3 दिन बाद फिर वापस डाला जाता है। इसमें सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है, एक ट्राई में लगभग 60-70% भी हो सकता है। ये उन कपल्स में यूज़फुल है जिनमें ट्यूब्स बंद हैं, जिनका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, या बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हो पाया है, इनमें हम लोग IVF यूज़ करते हैं। इसमें लेडी के जो पीरियड स्टार्ट होता है फर्स्ट या सेकेंड डे में, वो क्लिनिक आती हैं और फिर 10 से 12 इंजेक्शन, रोज के एक इंजेक्शन लगते हैं। ये इंजेक्शन इसीलिए दिया जाता है कि उनकी जो एग्स हैं वो डेवलप हो जाएं। फिर 10 से 12 दिन बाद एनेस्थीसिया देके बिना किसी कट के ये एग्स निकाले जाते हैं। उसी दिन हस्बैंड का भी स्पर्म लिया जाता है और लेबोरेटरी में मिक्स करते हैं। ये मशीन्स में मिक्स करके इनको इनक्यूबेटर के अंदर 2 से 5 दिन तक हम लोग रखते हैं। फिर दूसरे, तीसरे या पांचवे दिन हम लोग इसको लेडी के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। 2 हफ्ते में पता लगता है कि लेडी प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। इसमें जो लोकल पेशेंट्स हैं वो तो आना जाना कर सकते हैं, पर जो बाहर से पेशेंट आते हैं, हम लोग प्लान करके सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन बता देते हैं और पेशेंट सिर्फ पिकअप के दिन और ट्रांसफ़र करके फिर अपना शहर या अपना देश वापस चले जाते हैं।